फ्रेंड, मैं आपको अडेनियम प्लांट के बारे में बता रहा था। अडेनियम प्लांट देखिए कुछ इस टाइप की इसकी जड़ें होती हैं जो ऊपर उठ के आती हैं गमले के, और बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, ये देखिए इसमें बहुत अच्छे फूल आते हैं और इसके फूल बहुत ही हर टाइप के अलग अलग होते हैं, जैसे नीले में होता है, पीले में होता है, वाइट में होता है। जैसे कि हमारे पास गुलाबी है, मैंने गुलाबी लिया तो मेरे पास गुलाबी पेड़ है। ठीक है, इसमें ये मार्च अप्रैल के महीने में इसमें ये सब बीज जाती हैं। ये देखिए ये बीजे हैं, ये ऐसी बीज जाती है। देखिए यहाँ पे ये आ रही है एक बीज, और एक बीज ये आ रही है, और दो बीजें ये आ रही हैं। जब ये बीज थोड़ी पकती हैं, काली पड़ जाती हैं, ये बीजें वाली, ये बीज थोड़ी ये पूरा काला पड़ जाएगा, काली पड़ेंगी, सूखने लगती हैं तो ये फटती हैं, बीज से फट जाती हैं। जो आपने देखा हो बचपन में कभी, अभी भी देखते होंगे, रूई के गोले उड़ते नहीं है, जिसे लोग बाबा कहते हैं, बाबा उड़ रहा है, बाबा जा रहे हैं, कुछ ऐसा ही होता है, तो वो अंदर से निकलते हैं। उसके बीच में एक छोटी सी बीज लगी होती है, इसमें काफ़ी एक बीज में कम से 20-25 होते हैं, इस फली में 20-25 बीज अंदर होती हैं, तो वो सब हम निकाल लेते हैं अलग अलग करके, और उसको जो है निकाल के मिट्टी के अंदर दबा देते हैं या मोरंग में। 5 से 7 दिन में छोटे छोटे उसके प्लांट बच्चे निकल आते हैं। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो अभी हमने कुछ दिन पहले निकाला था, करीब 20 दिन पहले, 25 दिन पहले उसका। ये है प्लांट, इसके जो बच्चे निकाले थे मैंने इन्हीं बीजों से, ये बच्चे हैं, ये देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़े हो गए हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं। अभी अभी करीब 1 मंथ के हुए हैं, और करीब 2 मंथ तक की जो है इसमें लगा रहने देंगे, उसके बाद हम इसको अलग अलग गमलों में फिट कर देंगे, मतलब अलग पॉटिंग इसकी कर देंगे, रिपॉटिंग। अभी थोड़े वीक हैं ये, देख सकते हैं आप, ये मैंने मोरंग लगाया है और इसके ऊपर अब मैंने 2-4 दिन पहले खाद डाली है, करीब दो महीने के बाद, एक डेढ़ महीने बाद खाद मैंने डाली है। मुझे खुद भी याद नहीं मैंने कब लगाया था, होली से कुछ दिन पहले लगाया था। एक मेरे पास ये प्लांट है, ये है रेन लिली जो मैंने कुछ दिन पहले ऑनलाइन मंगवाया था, ये भी निकलेगा जब बारिश का सीज़न होता है, तो प्लांट बहुत अच्छे से निकलता है, इसमें छोटे छोटे फ्लावर निकलते हैं गुच्छे के साथ, भी पूरा होता है, गुच्छे के साथ फ्लावर निकलते हैं, येलो कलर का है मेरा ये, तो मैं आपको इसके बारे में बता रहा था। ये अडेनियम प्लांट है, देखिए मैंने आपको बीजें दिखाई थी, उन्हीं बीजों से निकले थे ये छोटे छोटे, करीब कहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करीब 13 हैं ये, देखिए ऐसे लगाया था मैंने। ये एक प्लांट जो है छोटा सा प्लांट, एक करीब आपका 1 उंगली के बराबर का मिलता है 100 रुपये का, और बड़ा लीगा तो 250-300 ऐसे, 400, बाकी ऐसे मिलते हैं, ऑनलाइन मिलते हैं। तो मैंने आपको आज इस वीडियो में इतना ही बताया है, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपको ऐसे प्लांट के बारे में बताते रहेंगे।